मेरे घर आ गया। समझ गए ना कौन? अरे वही अपना सुरेश। आते ही देखा मैंने कि दर्द से बेचारा बेहाल है, यहां हाथ लगा रखा जैसे बहुत तकलीफ में हो। मैंने उससे कहा, सुरेश ये क्या हाल बना रखा है, क्या हो गया? बोले, यार लग गई। मैंने कहा, लग तो गई, लेकिन क्या लग गई, कैसे लग गई, कैसे क्या हुआ, मुझे बताओ। बोला, क्या बताए यार, कल पैसेंजर से कानपुर आ रहे थे, जिस जगह ट्रेन में बैठे वो जगह इतना लंबा कीड़ा निकला हुआ था। अब जब गाड़ी चले तो कभी खुसे कभी लगे, 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 कभी खुसे कभी लगे। इतनी लगी, इतनी लगी कि यार बहुत दर्द होने लगा। मैंने कहा, तो यार कुछ समझदारी दिखाते। बोला, क्या समझदारी दिखाते? अबे मैंने कहा, अगर वहां पे कीड़ा निकला था तो अपनी सीट चेंज कर लेते। अबे तो किससे कर लेता? अरे भाई, किसी दूसरे मुसाफिर से चेंज कर लेते। अबे कैसे कर लेता, पूरा डिब्बा खाली था, कोई मुसाफिर था ही नहीं, तो सीट किससे बदलता? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नीरज हेस्टिंग्स, और आपके लिए लेकर आया हूं जिंदगी की सच्ची घटनाएं, लेकिन एक शर्त पर, डोंट लाफ अल्लू। मैंने सुरेश को ढाढ़स बंधाकर समझाने की कोशिश की कि यार घबराओ नहीं, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी, लेकिन वो तो एकदम से मेरे ऊपर बिफर पड़ा। अबे तुम क्या जानो मेरी जिंदगी में क्या क्या बवाल चल रहे हैं, क्या क्या ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, भाई क्यों नाराज हो रहे हो, क्या हो गया ऐसा? बोले, अबे एक तो इधर ये चोट लगी है, उधर मेरी बेटी ने किसी के साथ सेटिंग कर ली। मैंने कहा, तुम्हें कैसे मालूम तुम्हारी लड़की ने सेटिंग कर ली? बोले, और नहीं तो क्या, आजकल मोबाइल रिचार्ज के पैसे ही नहीं मांगती। मैंने उसको फिर समझाने की कोशिश की कि यार इतनी सी बात के लिए परेशान मत हो, इस उम्र में तो सब होता रहता है, तुम इस बात को भाभी जी के साथ डिस्कस करो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगी। तो वो और बिफल पड़ा। अबे यार वो तो जाके मायके में बैठी है। मैंने कहा, करे यार भाभी जी मायके में बैठी है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, कम से कम दो चार दिन तुम सुकून से रह रहे हो कि नहीं? अरे क्या खास सुकून से रह रहा हूँ, आज सवेरे ही फोन पे लड़ी थी। मैंने कहा, है फोन पे लड़ी थी, बताओ नहीं तो क्या, आजकल उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। म्यूजिक अपनी और व्यथा बताता है, बताने लगा कि यार ये मेरा ससुर तो और खलीफा चीज है। मैंने कहा, क्यों भाई, अब ससुर साहब से क्या हो गया? बोला, रोज सुबह फोन करके पूछता है, मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। अपनी व्यथा की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुरेश बोला कि एक मेरा वो बेटा। मैंने कहा, भाई बेटे को क्या हुआ? बोला, होगा क्या, अजीबो गरीब बात करता है। फिर मैंने पूछा, भाई क्या अजीबो गरीब बात करता है? बोला, मैंने उससे कहा, बेटा शादी कर लो, तो कहता न्यू ईयर पे करूंगा। मैंने कहा, भाई न्यू ईयर पे ऐसी क्या खास बात है? बोला, न्यू ईयर पे ऑफर रहता है, एक के साथ एक फ्री। उनकी यादों को भुलाने के लिए हमने दिल पे जो रखे थे पत्थर, उनकी यादों को भुलाने के लिए हमने दिल पे जो रखे थे पत्थर, कम्बक सरक कर किडनी में वो आज पथरी बन गए। कुछ भी इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।